So best wishes to all the students of 11th class. So dear students, today we will be starting with the first chapter of 11th class, that is sets. Firstly, we will understand the definition of set, and then other things will be explained. तो सेट्स जो वर्ड है, सेट वर्ड आपने सुना है, जैसे कि आप किसी बुक स्टॉल में जाते हो और वहाँ पर आप कहते हो कि 11th क्लास की बुक्स का एक सेट दे दीजिए या 10th क्लास की बुक्स का एक सेट दे दीजिए, तो सेट वर्ड वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। एक और वर्ड हम सेट का आपको बताएंगे, जैसे घर में हमारे सोफ़ा होता है तो उसको सोफ़ा सेट बोलते हैं। तो ये वही सेट है, लेकिन मैथमेटिकली जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पर लिखूँगा। सेट क्या होता है? द कलेक्शन होता है, कलेक्शन कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स 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 का मीनिंग यहाँ पर आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, या नंबर्स, या कुछ भी लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, या किसी दूसरे अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर कहेंगे। तो ये सेट जो होता है कलेक्शन होती है, जैसे आप 10th क्लास की बुक्स का सेट लेते हो तो उसमें कलेक्शन है बुक्स की, तो ये कलेक्शन है सेट। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट वर्ड ये कलेक्शन है, दूसरा ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग होंगे। जैसे 10th क्लास में आप सेट्स लेते हो बुक्स का, तो उसमें सारे बुक्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि एक मैथ्स का बुक होगा तो दो नहीं होंगे उसमें मैथ के बुक, या तीन नहीं होंगे तो अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट। यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, सेट में रिपीटेशन नहीं होती। जैसे कि 10th क्लास की बुक्स का सेट है उसमें मैथ्स एक ही है, दो मैथ नहीं होंगे उसमें, या इंग्लिश की बुक उसमें एक ही है, दो नहीं होंगी उसमें, या दूसरी अगर कोई बुक होगी तो वो सेकेंड पार्ट होगा, एक पार्ट एक ही होगी। ऐसे ही हिंदी की एक ही बुक होगी उसमें। तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये कलेक्शन होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड ये है वेल डिफाइंड। आपके जो ऑब्जेक्ट्स सेट्स के अंदर होंगे, जिनको मैं एलिमेंट्स भी बोल रहा हूँ, और वो जो हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। वेल डिफाइंड का मीनिंग यहाँ पर कि आपका जो स्टेटमेंट है वो वेग नहीं होना चाहिए, वेग वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेग नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। वेग का मीनिंग होता है कि विच इज़ नॉट क्लियर, क्लियर ही नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर कि वेग क्या होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि सचिन तेंदुलकर इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, जैसे कि ये स्टेटमेंट मैंने बोली कि सचिन तेंदुलकर इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, लेकिन सचिन तेंदुलकर को कुछ लोग बेस्ट मानते हैं और कुछ बेस्ट मानते ही नहीं, तो स्टेटमेंट क्लियर ही नहीं है। तो स्टेटमेंट अगर क्लियर नहीं है तो वेल डिफाइंड भी नहीं है, तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो वेग नहीं होनी चाहिए, या फिर जो एलिमेंट्स हम जो ऑब्जेक्ट्स किसी सेट में लेंगे तो वो वेग नहीं होने चाहिए, वो सबको मान्य होने चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि सेट के अंदर पांच ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है तो फिर सारे पांच ही कहें, ये नहीं है कि एक बोल रहा है पांच है, दूसरा बोल रहा नहीं जी छः है इसके अंदर, तो वो तो फिर वाग हो गई। तो स्टेटमेंट या फिर कलेक्शन आपकी वाग नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो क्लियर ही नहीं हो। जैसे कि एक और मैं बताता हूँ कि कोई बोल दे कि भाई लाइन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस लाइन हो गया, तो मोस्ट मतलब उससे डेंजरस कोई है ही नहीं, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं नहीं जी दूसरा कोई जानवर वो ले लेंगे, नहीं जी ये मोस्ट डेंजरस है, तो स्टेटमेंट वो
वेग नहीं है, तो सॉरी वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो वेग स्टेटमेंट है। तो सेट के अंदर जो भी आप कलेक्शन लेंगे, एक तो वो डिस्टिंक्ट मतलब वो रिपीट नहीं करेंगे, और वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब सबको वो मान्य होनी चाहिए, वो वेग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, जब वेग कलेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात सेट में थी। एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ ABC स्कूल। ABC स्कूल को ही लेते हैं, एक ही स्कूल है वो ABC। उस स्कूल के जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनकी जो कलेक्शन है उसको सेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कलेक्शन है और सारे बच्चे वो अलग अलग ही होंगे। अगर एक कोई मोहित है, मोहित दूसरा भी हो सकता है, लेकिन ना तो उसकी शक्ल उससे मिलती होगी, ना उसका रोल नंबर उससे मिलता होगा, दोनों का रोल नंबर अलग होगा। तो नाम तो सेम हो सकते हैं लेकिन बच्चे सेम नहीं होंगे, वो होंगे अलग ही। तो अगर उस क्लास में 60 बच्चे हैं तो सभी उसको 60 ही कहेंगे। ये नहीं बोलेगा कोई कि इसमें 61 बच्चे हैं जी, 62 बच्चे हैं। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और डिस्टिंक्ट मतलब कोई भी स्टूडेंट रिपीट नहीं होगा। एक बच्चा तो एक यूनिक होता है, वो ऐसा ही एक ही होगा, दो नहीं हो सकते वैसे, तीन नहीं हो सकते, और वो कलेक्शन है। तो इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल है सेट का। एक और मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे दूँगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो नेचुरल नंबर जो होते हैं तो वो तो अनकाउंटेबल है, और सब उनको अनकाउंटेबल ही कहेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि ये काउंटेबल है, या कोई ये नहीं कहेगा कि ये जो आप बोल रहे हो कि काउंटेबल है, तो दूसरा बोलेगा अनकाउंटेबल है, या एक बोलेगा अनकाउंटेबल। तो सबको जो स्टेटमेंट है या कलेक्शन जो है वो सबको मान्य है। तो ऐसे जो कलेक्शंस होती हैं दे आर कॉल्ड वेल डिफाइंड। और सेट के अंदर आपकी जितनी भी कलेक्शन है वो तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और साथ में डिस्टिंक्ट मतलब उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखते हैं, नेचुरल नंबर में 1 एक ही बार आता है, फिर दोबारा दोबारा 1 नहीं आता। तो सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। सो इतना ही इंट्रोडक्शन मैं आपको सेट्स का दूंगा, तो दूसरी चीज़ें हम बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच।